एक्चुअल में एकदम वीटी स्टेशन लग रहा है। एक्चुअल में इसने धंधा स्टार्ट कर दिया, देखो। इसका मतलब मुझे 15 पाउंड पे करना पड़ेगा यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, और यहाँ पे ना ही पंखा है ना ही एसी है, गर्मी ऑलरेडी हो रही है। चलो फाइनली हम होटल पहुंच गए। आज सुबह काफी जल्दी निकले थे तो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, एंड टाइम इज राइट नाउ 9:30, बट फिर भी अंधेरा नहीं हुआ है, लाइट सब ऑन हो गए। यहाँ पे होटल का नाम स्टैंडर्ड होटल है, थोड़ा अलग और अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि पार्किंग नहीं इनके पास, बट काफी यूनिक है यार। देखो कैसा कैसा बना के रखा है इन लोगों ने। सबसे खास बात क्या है ना बेडरूम की, बट टॉयलेट को चिंटू मिंटू बना देते हैं, कुछ जेट स्प्रे नाम की चीज नहीं इनके पास, और बटन्स और स्विचेस भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो ये रहा रूम, यहाँ पे बैठने की जगह है, इनफैक्ट जहाँ खोलो कुछ ना कुछ खजाना निकल जाता है। हाँ, इन लोग ऐसे सब चीजें छुपा के रखी हुई है, इनफैक्ट ये थोड़ा अटका हुआ है तो इसको थोड़ा खींचना पड़ता है। यहाँ पे क्या रखा है इन लोगों ने, हाँ हर जगह कुछ ना कुछ तो है ही, इनफैक्ट इसको खोलने की कोशिश में हूँ मैं। मीनवाइल ये जो लाइट्स है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऑन कैसे करते हैं। यहाँ पे भी देखो स्टोरेज है, काफी कूल कबर्ड्स बनाए इन लोगों ने, ये कैसे खुलता है यार, इसको यहाँ से खींचना पड़ता है, सब कुछ थोड़ा बहुत अटका हुआ लग रहा है मुझे। मीनवाइल फ्रिज को भी ऐसे छुपा के रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे छुपा के रखा है। आई थिंक ये लोग दिखाना चाहते हैं कि यार डिजाइन एकदम यूनिक है। तो सबसे खास बात ये है कि मैं हूँ लंदन में, लेकिन मैं लंदन में नहीं हूँ, मैं एक्चुअली बॉम्बे में हूँ, क्योंकि ये देखो वीटी स्टेशन। हाँ, यहाँ से वीटी स्टेशन दिखता है, ये एक और खास बात है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा के क्या मतलब है, बट अच्छा व्यू दिखता है वीटी स्टेशन का। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए कंजेशन चार्ज लगा के बैठे हैं यूके वाले फालतू का। फ्रेशन अप होते हैं, डिनर के लिए जाते हैं। टाटा मोटर्स ने क्या गिफ्ट किया, गेस करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज गिफ्ट की है, एक तो ये चीज जो आप देख के समझ गए हो कि क्या है, एंड दूसरा ये डिब्बा छोटा सा। चलो फट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो एक तो इन लोगों ने ये कप दिया है टाटा मोटर्स डिजाइन वाला, बहुत सही है, लेकिन सबसे खास बात है ये स्केल मॉडल दिए, जो बहुत ही सेक्सी लग रही है, क्योंकि इसमें ना इन लोगों ने नीचे नाम लिखा हुआ है चैनल नेम के साथ, विच इज सो कूल। दैट्स आई वाज वंडरिंग कि यहाँ पे नाम लिख के क्यों बांट रहे हैं, मतलब व्हाई आर दे गिविंग अ स्पेसिफिक बैग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, बिकॉज ये जो ब्रांडिंग की हुई है नीचे, इट्स अमेजिंग। मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया, बहुत ही सही लगा मुझे। चलो मैं निकल गया हूँ पार्किंग करने के लिए, और लेफ्ट में बस लेन है, लेकिन बस लेन में ये टैक्सीज कैसे चल रही है लंदन कैब्स, ये तो अभी चाइनीज ओन्ड होगी, तो कहाँ कुछ रह गया यूके का यार। गाड़ी पार्क करने आया हूँ मैं, और पर आवर ये है 7 पाउंड, मतलब लगभग 800 रुपए पर आवर। आज तो लूट मचने वाली है, मुझे लगता है ना गाड़ी पे पीपीएफ भी करते हैं लोग इस प्राइस पे। सच बता रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ने पहले भी लूटा था और अभी भी कंटिन्यू ही कर रहे हैं लूटना, क्योंकि इतनी महंगी कार पार्किंग, इतनी की तो गाड़ी रेंटल नहीं डे की जितनी की इन लोगों ने पार्किंग के पैसे ले लिए। अभी गार्डन में चल रहा हूँ, यहाँ पे पार्क करके मैं वॉक करके जाऊँगा वापस, मुझे बोला था 10 मिनट लगेंगे, मुझे दिखा रहा है 21 मिनट्स फॉर 1 माइल। ये नोटिस लग गया इस भाई को, क्योंकि इसने एक टाइम के बाद पार्क करके रखी है। हमें 8 बजे निकालनी थी गाड़ी, 9 बजे निकाली, क्योंकि गगन ने मुझे बोला 9 बजे निकालनी है। अब हमें पेनल्टी लगी कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी से ज्यादा पार्किंग और फाइन में पे कर दिया। यहाँ पे लो इमिशन जोन, कंजेशन चार्ज, सब दैट्स अ नाइस कलर ऑफ द लंदन टैक्सी। एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कार पार्क है ना पास में जाना था 6 मिनट वाला, मैं चला गया 20 मिनट वाले, क्योंकि यहाँ 1 वे है ना, तो ने मुझे कहीं और ही फेंक दिया, जिसके चक्कर में थोड़ा महंगा पड़ा ये वाला कार पार्क, लगभग एक दिन का 800-900 रुपए ज्यादा पड़ रहा है। यू मेक मिस्टेक्स एंड यू लर्न, इट्स कॉल्ड सीख तोड़। या तो टोमेटो या फिर हैश ब्राउन, बस इनको यही आता है 2-3 चीजें बनानी। सो सिटी टूर है स्टार्टेड, वो दिख रहा है दैट इज द लंदन आई, लेकिन दुबई वालों ने बेटर बना दिया है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। टूरिस्ट इतनी गर्दी के बीच में किसको ये ज़मीन मिल गई है यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन कर रहा है। एनी वे उसका गार्डन मस्त लग रहा है मुझे, और ये ट्रेन स्टेशन जो रूम से भी दिख रहा था, दिस इज़ एक्चुअली द व्यू ऑफ लुंडून। एक्चुअल में एकदम वीटी स्टेशन लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने बनाया ना वीटी स्टेशन। वीटी स्टेशन इज़ द मेन स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस, टर्मिनल एक एयरपोर्ट है, एक वो है उसका नाम अभी CST हो गया है, बट एनीवेज ये है क्या, मैं इतना भूल क्यों जाता हूँ चीज़ों को, एक एयरपोर्ट है, एक ट्रेन स्टेशन है बॉम्बे का ऑब्वियसली। क्या बकचोदी कर रहे हैं ये लोग, फोटो पे तो हिलता हुआ नहीं आएगा ना। विकास ऐसे करो लेफ्ट देख के, ये जो बिल्डिंग है ना रेस्टोरेंट बन गई, पहले आई थिंक जिमनेशियम था, वॉर्गेट, और ये देखो कार्बन फाइबर से बनी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग में क्या खास बात है पता है, रेलवे ट्रैक से बनी हुई, जो रेलवे ट्रैक्स है ना वो लगाए हुए हैं, रस्ट हो गए पूरे। ये आ गए हम रेलवे ट्रैक के पास, ये एक्चुअली में फंक्शनल है, मतलब इट्स टेकिंग द लोड ऑफ द बिल्डिंग।
कुछ भी बना लेते हैं ये लोग। नहीं नहीं शिकारा में नहीं बैठना। आपको कैसे लगा वेनिस आके? वेनिस का नाला है ये, नाला कितना गंदा पानी है। यूके में सब कुछ स्क्वायर होता है, ये ग्रैनरी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ग्रेन रखते थे, यहाँ पे कोल रहता था, बहुत ज़्यादा कोल होता था। और वो दिख रहा है आगे स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रखा है, उसके अंदर बिल्डिंग बना दी इन लोगों ने। फोटोग्राफर मिल गया, फोटोज निकाल रहा है। आपकी भी ले लूं, बढ़िया आ रही है। कितना लोगे, कितना लोगे? तीन फोटोज का? तीन फोटो नहीं है, 32 आएगी, 10 रुपये में 32। ठीक है, 10 ले लो। एक्चुअल में इसने धंधा स्टार्ट कर दिया, ये देखो ऐसे रैंडम लोगों को उठा के यहाँ पे फोटो ले रहा है लोगों के। ये मस्त स्विमिंग पूल बना के बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ का मास्टर प्लान क्या क्या है, फुल्ली रीडेवलप्ड। यहाँ पे पहले कोल का कुछ तो होता था, अभी इन लोग ने इसका कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया, आई थिंक सैमसंग कॉर्पोरेट नहीं शॉपिंग मॉल बना दिया सैमसंग वगैरह। छतरी तोड़ दी भाई ने, छतरी रिपेयरर यहाँ पे। हाँ इस पर खड़े हो जा। May the force be with you. So, ये जो बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर है पहले जैसा ही रखा हुआ है जस्ट टू कीप इट रेट्रो, और अंदर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बिल्डिंग बाद में बनी है, स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा और बहुत महंगा है। मतलब ग्राउंड और ऊपर के फ्लोर में प्राइस डिफरेंस कितनी है पता है? लगभग 2 मिलियन यूरोज। सिर्फ चाइनीज लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके पास ही पैसा है। इसकी कहानी तो सुनो, यहाँ पे कोल्ड स्टोर करते थे, यहाँ पे गैस स्टोर करते थे, फिर उसके बाद गैस के बाद इसको स्टोरेज बना देता, गैस खत्म हो गई। अच्छा सा गार्डन है, अच्छी सी जगह है, ट्रेन भी जा रही है साइड से, तो फील आ रही है, फील। और जॉनी भैया ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखो आगे से बोट आ रही है। अब ये नीचे कैसे आने वाली है? ये दरवाज़ा खोलेंगे और पानी का फ्लो ऊपर नीचे होगा और फिर वो बोट आएगी। अभी अभी टाइम लैप्स में देख लो, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉमेंट्री करने के मूड में नहीं हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ है ना, एग्जैक्टली ये जब बोट आई तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर था, फिर उन लोगों ने पीछे का गेट बंद किया, फिर यहाँ पे खोला तो पानी वहाँ पे फ्लो हुआ, मतलब वहाँ से नीचे इधर फ्लो हुआ, मतलब उधर से इधर फ्लो हो गया, थोड़ी गैप है ना बीच में, तो वहाँ से यहाँ आ गया पानी, जिसकी वजह से पानी का लेवल वहाँ पे ड्रॉप हो गया, इस लेवल पे हो गया। और अभी वहाँ से बोट यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये लोग गेट बंद कर देंगे, फिर वापस पानी का फ्लो ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ से पानी लीक हो रहा है, मतलब आ रहा है पानी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मज़ेदार चीज़ है। सोलर पैनल्स लगे हैं इस बोट पे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। एक काम करता है, यहीं से जंप कर लेता ना, बोट वैसे भी फ्लोट करती थी, क्या ही प्रॉब्लम थी इसमें। बंद करेंगे वो, पानी का लेवल वापस ऊपर आ जाएगा और वापस ये बंद हो सकती है। इधर जगह की बहुत कमी है, किंग स्क्वायर विंग स्क्वायर है नाम, लेकिन ये देखो कितनी ज़्यादा स्पेस आ गई इनके पास। गगन, आई थिंक दिस सोफ़ा विल लुक गुड फॉर योर पॉडकास्ट, यू शुड इन्वेस्ट इन इट। दो चार साल बाद नहीं, तब तो आपको जुबैर को कॉम्पिटिशन देना है 2-4 साल बाद। इतना ज़्यादा धंधा ले रहा है ना आजकल गगन, सीरियसली। तो गगन शॉपिंग करने आ गया शू शॉप में, बताओ कौन सा शॉप पे क्या? अभी हमने नया निकाला है ये अपने स्टोर पे। आमतौर पे क्या होता है, आपको एक प्राइस में एक ही जूता मिलता है, अभी तीन है, एक के अंदर एक डले हुए, मतलब आपका एक खराब हो जाए निकाल दो, फिर दूसरा वाला पहन लो, निकाल दो, तीसरा वाला पहन लो। तो बेसिकली ये सोल कभी ख़राब नहीं होता, आपकी सोल खराब हो जाती है। क्या भाव में आपकी सोल? अगर आपने गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी है तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, दे विल डिस्ट्रॉय योर व्हीकल। इसको तो मस्त धंधा मिल रहा है, फोटो पे फोटो खींचा जा रहा है। लेजेंडरी लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन है बेसिकली। ये हमारा कल रात का होटल, तो इन लोग ने ना बाद में ही ऊपर के फ्लोर बनाया, ऐसा लग रहा है कि बाद का काम है वो। कितने प्लेन उड़ाते हैं? 8 उड़ाते हैं लंदन एमिरेट्स वाले, सब इधर ही उड़ा दोगे तो इंडिया क्या लाओगे, शर्म की बात है। ये साइन बोर्ड दिख रहा है, ये है कंजेशन जोन का साइन बोर्ड, और वो देखो लाल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये जो लाल, ये वाला लाल, इसका मतलब हम कंजेशन जोन में, जिसका मतलब मुझे 15 पाउंड पे करना पड़ेगा यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, तो 15 पाउंड गए, आउट, फिनिश, ओवर। अभी भी पुराने फ़ोन चल रहे हैं यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अब क्या लिख दिया पता है? वाईफाई है, क्योंकि नेट तो चलता नहीं यहाँ पे, जियो नहीं है ना। ड्राइव 200 माइल्स है और हम बीच में रुक रहे हैं। ये बंदे को बोला था होटल बुक करने के लिए, नहीं किया भाई ने। मुझे लग रहा है इस फ्रेम पे आपका पूल वाला नंगा फोटो लगाया जाए। एक चीज़ आपके पास, आप एक फोटो और दूंगा। हाँ दे दो प्लीज। चलो आज हम खाएंगे राजमा चावल। Meanwhile, क्वेस्ट यू, आप गलती से भी अपने राइट मत देखो, हमारे पास नहीं है गैम्बलिंग के पैसे। गैम्बलर, हमने की थी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में। इस भाई ने मेरे 10 यूरो उड़ा दिए गैम्बलिंग करके, डाले पैसे, बोलते मैं उठाऊंगा कुछ, मैं उठाऊंगा।
कुछ नहीं आता इसको, सारे सिंस भूल जाते हैं। जॉनी सर आप कैसे भूल जाते हो सिंस? फूड मॉल पे हम रुक गए हैं और ये देखो हमर दिख गई, हमर इसके वजह से ना फ्यूल नहीं है स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे। बोलो वापस क्या बोल रहे थे? दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। आर यू श्योर दिस आर नॉट ड्रामा और सोना? शट अप। कॉस्ट वाले का धंधा छीन रहा है ये। उसको बोला तू कोहिनूर लेके आ गया, मैं चुबेरी लेके आया। हमारा सेकंड जॉब जो है, फर्स्ट वीडियो बनाना, सेकंड फ्यूल भरना, वही करते रहते हैं। जॉनी भैया गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उनको बहुत नींद आ रही है इसलिए हम स्वॉप कर रहे हैं अभी। एंड आज बहुत लंबी जर्नी है, थाली है संभाल के, एक घंटा और गाड़ी चलानी है। ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, ब्रेक ले रोके हैं, स्ट्रेच करने हैं। सिर्फ गगन को नींद नहीं आ रही, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, बट अभी किसी को तो चलानी पड़ेगी गाड़ी ना, क्योंकि इंडिया के 5 बज रहे हैं एंड ऑब्वियसली 5 बजे तक कौन जागता है। अच्छा वो 41,000 एक्चुअली मेरे उन्होंने काटे। किसने काटा है आपका? किसने काटा है आपका? अच्छा ऐश वालों ने क्यों काट दिए पैसे आपके? रात के 12:30 बजे ये बग इंसान बैठ के आइसक्रीम शॉपिंग कर रहा है। पहुंच तो गए हैं, ये लोग धक्का मारे हैं फ्यूल बचाने के लिए, लेकिन गाड़ी ऑन करनी पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है ना, वो डीएक्टिवेट नहीं होता। की डू यू लव मी, आर यू ड्राइविंग? आवाज आएगी, डोंट वरी, कीप गोइंग। नहीं चलेगा वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, लगा स्टॉल ही कर दी। इतनी सारी सीटें चढ़ के हालत हो गई लगेज के साथ। फाइनली 1:30 हम पहुंच गए हैं रूम, जो थोड़ा चिंटू मिंटू जरूर है, सूटकेस खोलने की जगह ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे ना ही पंखा है ना ही एसी है, गर्मी ऑलरेडी हो रही है, होपफुली वहाँ से कुछ हवा आए। एंड ठीक है, इट्स डिसेंट, क्लीन, मैनेजेबल है, नींद आ रही है, सो जाते हैं। टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट वाली हरकतें करते हैं। स्विफ्ट पे देखो कैसे एडास का पैनल चिपका दिया है, ऐसे कौन चिपकाता है भाई? सोचो सोचो, आपको लेनी थी सुजुकी लेकिन आपने ऊपर ले ली, तो आपने सुजुकी का लोगो चिपका दिया।